एक बार फिर से उत्तर प्रदेश खूंखार अपराधियों की कारगुजारियों से दहल गया है। कासगंज की एक घटना है जहां पर कल देर शाम अवैध शराब के अड्डे पर छापा मारने गई पुलिस की टीम के साथ वही हुआ जो करीब 6 महीने पहले कानपुर में हुआ था। एक दारोगा और एक सिपाही अवैध शराब बनाने वालों की कुर्की का नोटिस चिपकाने गए थे, लेकिन इसमें एक सिपाही मारा गया है जबकि दारोगा घायल बताया जा रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि ना सिर्फ इन लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की बल्कि इन्हें बंधक बना लिया। मारपीट भी मामूली नहीं बल्कि इतनी बेरहमी से की गई कि सिपाही की जान चली गई। वहीं दारोगा की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक अपराधी को ढेर कर दिया है, बाकियों की तलाश भी सरगर्मी से चल रही है। कासगंज के नगला धीमर गांव में हुई इस खौफनाक वारदात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाकी पर एक और हमला, यूपी में एक और बिकरू कांड, जवाब में एक और एनकाउंटर। और कितने विकास दुबे बाकी। करीब 6 महीने पहले हुआ बिकरू कांड पूरी बेशर्मी के साथ फिर से जिंदा हो गया। ठीक वही कहानी फिर से दोहराई गई, सिर्फ जगह बदल गई। पिछली बार कानपुर था, इस बार कासगंज है। ठीक उसी तरह पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने पहुंची थी, ठीक उसी तरह अपराधियों ने पुलिस टीम को घेर कर हमला बोल दिया, ठीक उसी तरह खाकी लहूलुहान हो गई। और ठीक उसी तरह जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी अपराधियों पर उन्हीं के अंदाज में टूट पड़ी। नंगला धीमर गांव में हुई वारदात में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही एक आरोपी के जिस्म में गोलियां भर दी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई को पुलिस ने गांव के किनारे काली नदी के करीब घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चली और चंद ही पलों में किस्सा खत्म हो गया। उन पर काफी गंभीर कार्रवाई की गई थी। उसी कार्रवाई के दौरान ये जो अभियुक्त हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया था, ये वांछित भी चल रहे थे, इनके खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस इन पे लगातार दबिश और दबाव बना रही थी। इनके द्वारा तभी इस तरह घटना कारित की गई थी। पहले भी इन पे दबाव बनाया गया था, अब भी इन पे लीगल एक्शन लगातार पुलिस कर रही है और जारी रहेगी। हमारी तीन टीम डिवोटी टीम लगी है, 100% गिरफ्तारी अभियुक्तों की होगी और हमारे दारोगा जी जैसे थोड़ा और स्वास्थ्य सही होगा और जो तथ्य बताएंगे और जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पे लगातार हम दबिश देते रहेंगे। कासगंज में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद थे, खून से लथपथ दरोगा अशोक सिंह इसका जीता जागता सबूत है। सिपाही देवेंद्र इससे भी बड़ा सबूत थे क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है। दारोगा की ये हालत है कि उनको उनके ही साथी कंधों पर लाद कर ले जा रहे हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अपराधियों ने न सिर्फ दोनों को बेरहमी से मारा बल्कि कानून का माहौल बनाते हुए इनकी वर्दी तक फाड़ डाली, सरकारी पिस्टल छीन ली। ये सब तब हुआ जब दारोगा और सिपाही दोनों कानून की तामीली करवाने कल शाम नंगला धीमर गांव पहुंचे थे। मुख्य आरोपी मोती धीमर और उसके साथी अवैध शराब का धंधा चलाते हैं। कई मामलों में वांटेड होने के चलते पुलिस टीम इनके खिलाफ कुर्की का नोटिस लेकर गई थी, लेकिन अपने अड्डे पर पुलिस टीम को देखकर अपराधी भड़क गए और दोनों पर हमला बोल दिया। दोनों की बंधक बनाकर पिटाई भी की गई। जो भट्टी शराब की चल रही थी, बताया जाता है जो जानकारी मिलने के बाद दरोगा और सिपाही देवेंद्र गए थे, यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूर अंदर की तरफ वो जगह है जहां पर वो भट्टी चल रही थी, जहां इंक्वायरी जानकारी मिलने के बाद इंक्वायरी करने के लिए दोनों लोग पहुंचे थे और वहीं पर बंधक बना लिया गया था। तकरीबन 3 बजे के आसपास जो जानकारी है वो दिन में पहुंचे थे जहां उन्हें बंधक बना लिया गया था और उसके बाद बेहद बर्बरता की गई है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र के शरीर पर सरियों से चोट के निशान दिखे। काफी देर तक जब दोनों पुलिसकर्मी नहीं लौटे तब इनकी तलाश के लिए थाने से पुलिस की दूसरी टीम पहुंची। काफी खोजबीन के बाद दारोगा अशोक सिंह मौके से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इस हालत में मिले। सिपाही देवेंद्र को ढूंढने में और वक्त लगा, उनकी हालत और खराब थी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया लेकिन देवेंद्र ने रास्ते में दम तोड़ दिया। दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में
वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इतना जघन्य कांड होने की नौबत कैसे आई, मोती धीमर और विकास दुबे जैसे लोगों की हैसियत इतनी बड़ी कैसे हो जाती है कि वो सिस्टम को इतना गहरा दाग लगा देते हैं। पुलिस को ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए बर्बरता पर क्यों उतरना पड़ता है? एनकाउंटर की नौबत आने से पहले कानूनी तरीके से मोती धीमर जैसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं कसी जाती? इसका जवाब भी सिस्टम में ही है। इसी नंगला धीमर गांव में सट्टेबाजी के अड्डों की खबर दिखाने पर स्थानीय पत्रकारों के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन पुलिस को वो मामला ठोस कार्रवाई करने जितना गंभीर नहीं दिखा। पुलिस को शायद हर अपराधी के विकास दुबे बनने का इंतजार होता है। एटा से देवेश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता। हिमांशु, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट यह है कि लखनऊ से भी एसटीएफ आ गई है। हम आपको दिखाते हैं जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां पर पुलिस, आपको देखिए पुलिस की मुस्तैदी आपको यहां पे नजर आएगी। पूरे गांव के आसपास इसी तरीके से पुलिस की टीम मौजूद है। वो सामने देखिए, सुबह 5:30 बजे इसी जगह पर पुलिस का ये कहना है कि उन्हें जो मोती है उसका भाई एलकार नजर आया था कुछ अपने और दूसरे साथियों के साथ। क्योंकि 5:30 बजे का जो वक्त होता है इस वक्त अंधेरा था और उस दौरान जब एनकाउंटर हुआ तो उसके एलकार तो गोली लग गई उसे, लेकिन बाकी उसके साथी भाग गए थे। अब हम दूसरी तरफ आपको दूर दिखाते हैं। दूर ये जो आपको नदी दिख रही है यही वो काली नदी है जिसके थोड़ी दूर आगे जाने पर देवेंद्र और अशोक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो घायल अवस्था में मिले थे। और यहीं से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर भट्टी शराब की चलाई जा रही थी। तो अब इस मामले की इंक्वायरी जारी है। पुलिस के आला अधिकारी कासगंज पहुंच चुके हैं, जो तमाम लखनऊ से पहुंच चुके हैं, एसटीएफ की टीम पहुंच गई है। नगला धीरज गांव यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है वो गांव। तो पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि मोती इस इलाके से भाग न सके, उसे किसी भी तरीके से उसके भागने से पहले अपने पूरे गैंग के साथ उसको तलाशा जा रहा है। क्योंकि पुलिस के पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि तकरीबन 8 से 10 लोग मोती के गैंग में हो सकते हैं जिन पर पुलिस नजर बनाए हुए है। लोकल पुलिस की मदद के लिए एसटीएफ पहुंच गई है। तो अब कोशिश जारी है, देखते हैं कि पुलिस किस तरीके से आरोपियों तक और कब तक पहुंच पाती है। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि जिस इलाके की बात हो रही है जहां पर आप खुद मौजूद हैं, यहां पर लंबे समय से कच्ची शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली, जाहिर सी बात है उसके बाद पुलिस की यह टीम वहां पर पहुंची होगी, तो क्या पुलिस को ढंग तरीके से सूचना या फिर करेक्ट सूचना नहीं मिली थी कि कितनी संख्या में वहां पर ऑलरेडी अपराधी वहां पर मौजूद हैं? उस हिसाब से वो पूरी टीम लेकर के जाते, क्या मिस इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी? क्या अभी तक की पड़ताल में क्या जानकारी मिली है? क्योंकि इस तरह से वहां पर हमारी टीम पहुंची, उन्हें पकड़ लिया गया, उनके साथ बर्बरता हुई और उसमें हमारे एक सिपाही मारा गया। देखिए बिल्कुल, ये जो गांव है बताया जा रहा है कि यहाँ पर कच्ची शराब का जो भी काम होता था आसपास के पूरे, उन सब का जो मुखिया था, जो सरगना था, मोती बताया जा रहा है। अब कई सालों से ऐसा होता रहा है क्योंकि मोती के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं, उसके जिस भाई का एनकाउंटर हुआ उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। और सूत्रों के मुताबिक मोती ने इसके पहले भी पुलिस टीम पर करीब साल भर पहले हमला किया था। यानी मोती का पूरा प्रोफाइल, वो किस तरीके का कैरेक्टर है, क्या कितने उसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, ये जानते हुए भी क्यों दो ही पुलिस के लोग जाते हैं? क्या वो रेड करने गए थे या सिर्फ नोटिस देने गए थे? और अगर नोटिस देने गए थे तो गांव में नोटिस देने गए थे या फिर उस जगह पर जहां पर उन लोगों के साथ जहां भर्ती चल रही है वहां पर वो गए थे और वहां पर उनके पास इंक्वायरी जानकारी मिली थी? ये सारे सवालों के जवाब जब हम पुलिस अधिकारियों से मांग रहे हैं तो उनका ये कहना है कि चूंकि देवेंद्र की तो मौत हो चुकी है और अभी दरोगा जो है उनके अशोक, वो पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुए हैं, उनका पूरा बयान नहीं दर्ज हो पाया है। जो भी बातचीत हो पाई है, जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो जो उन्होंने बताया था, एक तो मोती का नाम बताया था, दूसरी चीज जो उन्होंने बताई थी वो ये बताई थी कि 4 से 6 बदमाश उस वक्त वहां पर मौजूद थे। तो कई सारे अभी सवाल हैं जिनके जवाब के इंतजार हैं।
उसके जवाब के लिए पुलिस का कहना है कि जो उनके दरोगा हैं, जब उनका पूरा बयान दर्ज होगा तब साफ हो पाएगा या मोती या उस गैंग में जो लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे उनमें से कोई पकड़ा जाए कि किन परिस्थितियों में दोनों लोग पहुंचे थे और क्या कुछ घटनास्थल पर हुआ था। बिल्कुल सही जानकारी तभी पता चल पाएगी जब असलियत में बयान जो है वो दर्ज किया जाएगा दारोगा का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।